हेलो बच्चों, ये हमारा 10वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अल्फ़ा डीके और बीटा माइनस डीके पढ़ लिए थे, और इस वीडियो में हम लोग बीटा प्लस डीके और गामा डीके पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि अगर कोई न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है ए, और अगर ये अल्फ़ा डीके करता है तो इस न्यूक्लियस से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, मतलब हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा, और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले वाले न्यूक्लियस से 2 कम होगा और मास नंबर पहले वाले न्यूक्लियस से क्या 4 कम होगा। ये हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग बीटा माइनस डीके देखे थे। तो बीटा माइनस डीके में हम लोग क्या देखे थे कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन बनता है और एंटी न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है। अब इस कारण से अगर कोई न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है ए, ये डीके होगा बीटा डीके, और मास नंबर है ए, और अगर ये बीटा माइनस डीके करता है तो बीटा माइनस डीके करने पर इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। हम लोग ये दो चीज़ देख लिए थे। हम लोग इसके बाद आज आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बीटा प्लस डीके। पीछे वाला सब रिवाइज करते रहना है आप लोगों को, है ना, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो फिर एक बार टेस्ट लेंगे हम। तो पीछे वाला टॉपिक सबको रिवाइज करते रहना है, पीछे वाला टॉपिक सब छोड़ना नहीं है, और पीछे वाला क्लियर रहेगा तभी आपको आगे समझ आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे हम लोग, बीटा प्लस डीके। देखिए बीटा प्लस डीके में क्या होता है, ये बीटा प्लस डीके जो है, इस बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि एक प्रोटॉन, बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, क्या है, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में, ठीक है। प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। माइक ऑन है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो है, ये दोनों फिर न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है। तो चूंकि ये दोनों न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है, तो ये न्यूक्लियस के कहां निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है ए, और ये बीटा प्लस डीके करता है, तो बीटा प्लस डीके में क्या होगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, और न्यूट्रिनो है ये, न्यूट्रिनो में। अब ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते हैं, तो ये बाहर एमिट होकर बाहर निकल जाएगा और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, ठीक है। अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा, उस नया न्यूक्लियस का क्या एटॉमिक नंबर होगा और क्या मास नंबर होगा, तो पहले ये समझो कि इस बीटा प्लस डीके होने से पहले इस न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन था, जेड। बीटा प्लस डीके होने से पहले इस न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन था, जेड, ठीक है। और बीटा प्लस डीके में क्या हुआ कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, तो पहले जेड प्रोटॉन था, उसमें से एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, तो अब कितना प्रोटॉन बचेगा, जेड माइनस वन, और जितना प्रोटॉन बचेगा वही मेरा एटॉमिक नंबर होगा, तो मेरा नया एटॉमिक नंबर कितना होगा, जेड माइनस वन, और मास नंबर फिर से चेंज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में। फिर से एक बार हम बता ही दे रहे हैं, मान लो कि न्यूक्लियर डीके से पहले प्रोटॉन का संख्या था एनपी और न्यूट्रॉन का संख्या था एनएन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, मास नंबर। अब बीटा प्लस डीके हुआ तो क्या हुआ, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, तो चूंकि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है तो एक प्रोटॉन का संख्या घट जाएगा, प्रोटॉन का संख्या एक कम हो जाएगा, और चूंकि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो न्यूट्रॉन एक बढ़ जाएगा एनएन प्लस वन, और इन दोनों को जोड़ेंगे, नया प्रोटॉन का संख्या, नया न्यूट्रॉन का संख्या, तो यह नया मास नंबर देगा, और ये क्या हो जाएगा, एनपी माइनस वन प्लस एनएन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो ए प्राइम बराबर क्या आ जाएगा, एन पी प्लस एन एन, तो पहले
बीटा डीके से पहले मास नंबर कितना था, एनपी प्लस एनएन। बीटा डीके के बाद भी मास नंबर कितना है, एनपी प्लस एनएन, मतलब मास नंबर चेंज नहीं किया। सो यहां पर क्या होगा, मास नंबर कितना होगा, ए। ठीक है, तो बीटा प्लस डीके में हम लोग क्या देखे कि बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। चूंकि पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है तो ये कहां एमिट हो जाएगा, बाहर। ठीक है, और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर एक घट जाएगा और मास नंबर एक, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप तुमको ये चीज, आप लोग को ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज क्लियर होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, इसके अगला टॉपिक है हमारा गामा डीके। कौन सा डीके, गामा डीके। इसके बाद जो मेरा नया और अगला टॉपिक है वो है गामा डीके। तो चलिए गामा डीके देखते हैं। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग एटम के केस में पढ़े थे, याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे एनर्जी स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये सब पढ़े थे एटम के केस में, भूल गए, याद कीजिए, पढ़े थे हम लोग। ठीक है, एटम के केस में क्या क्या पढ़े थे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और देखे थे कि एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो क्या रिलीज होगा, एनर्जी, और जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो क्या अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना। जैसे मान लेते हैं गामा डीके, देखिए गामा डीके में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर अलग अलग एनर्जी स्टेट, सॉरी, एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसा न्यूक्लियस के केस में भी होता है। ठीक है, अंतर ये है कि एटम का जो एनर्जी स्टेट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, एटम के एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। हम लोग देखे थे कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन न्यूक्लियस का जो एनर्जी स्टेट होता है वो बहुत हाई एनर्जी का होता है, न्यूक्लियस का एनर्जी स्टेट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। खैर, अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब गामा डीके कब होता है, तो जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या एमिट करेगा, एनर्जी। हम लोग देखे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा समय तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है, तो अगर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है और उसको ग्राउंड स्टेट में आना है तो ग्राउंड स्टेट में आने से पहले वो क्या एमिट करेगा, एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी को किस फॉर्म में एमिट करेगा, फोटोन के रूप में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं गामा डीके। गामा डीके क्या में क्या होता है कि एक एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आता है, क्या रिलीज करके, एनर्जी रिलीज करके, और एनर्जी को किस फॉर्म में एमिट करता है, फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, और उसी फोटोन को हम लोग बोलते हैं गामा पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोग तीन तरह का डीके देखे, कौन कौन सा डीके, अल्फा डीके। अल्फा डीके में, अल्फा डीके देखे हम लोग, अल्फा डीके में क्या देखे, अल्फा डीके में देखे कि अगर कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, और ये अल्फा डीके किया, कौन सा डीके किया, अल्फा डीके, तो इससे क्या निकलेगा, एक हीलियम पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, और अल्फा पार्टिकल एमिट होने के कारण जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले से दो कम होगा और मास नंबर पहले से चार कम होगा। इसके बाद हम लोग देखें बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या देखे कि बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किस में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, इसीलिए ये दोनों बाहर एमिट हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर न्यूक्लियस है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है ए जेड और मास नंबर है कितना ए, और ये कौन सा डीके किया, बीटा माइनस डीके किया, तो जब ये बीटा माइनस डीके करेगा तो इससे क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, और जो नया न्यूक्लियस मिलेगा उस नया न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पहले से एक ज़्यादा होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखे थे बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में हम लोग क्या देखे थे कि बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में, ये जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है तो ये बाहर एमिट हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियस है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, और ये बीटा प्लस डीके किया, कौन सा डीके किया, बीटा प्लस डीके, तो इससे क्या एमिट होगा,
इससे एमिट होगा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। और जो नया न्यूक्लियस मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले से एक कम होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। गामा डीके, गामा डीके में क्या होगा कि गामा डीके में, ठीक है, गामा डीके में क्या होगा कि अगर कोई न्यूक्लियस है एक्स जेड ए और ये एक्साइटेड है, अगर स्टार का मतलब एक्साइटेड, अगर ये एक्साइटेड है तो ये क्या करेगा, गामा डीके करेगा, और गामा डीके करेगा मतलब क्या रिलीज करेगा, फोटोन। गामा माने फोटोन, क्या रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, और जो नया न्यूक्लियस मिलेगा वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। मतलब गामा डीके में न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर मास नंबर कुछ चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा फोटोन निकलेगा और वो अनएक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक और, उसके बाद फिर वीडियो हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये तीन डीके देखें, अब इन तीनों डीके का हम आपको एक एक एग्जाम्पल बताते हैं, है ना। अल्फा डीके का भी एग्जाम्पल बताते हैं, बीटा डीके का भी एग्जाम्पल बताते हैं, और गामा डीके का भी हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। कपड़ा सही नहीं है, मिट नहीं रहा है भैया इससे, खैर जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा अपने को। चलिए तीनों का एक एग्जांपल बता रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके का एक एग्जांपल है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। ये जब अल्फा डीके करेगा तो अल्फा डीके करने के बाद ये एक हीलियम एटम निकालेगा, हीलियम न्यूक्लियस निकालेगा, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उस नया न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पहले वाले से कितना कम होगा, 2, तो पहले वाले का एटॉमिक नंबर 92, तो नया न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 90, और मास नंबर कितना कम होगा, 4, तो पहले वाले का मास नंबर 238, तो नया वाले का मास नंबर 234। अब ये बताइए कि किस न्यूक्लियस, किस एटम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, तो थोरियम, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, थोरियम। इसके बाद आते हैं हम लोग बीटा माइनस डी के, बीटा माइनस डी के मान लेते हैं फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर अप्रोक्सीमेटली 32-33 के आसपास होगा, हमको याद नहीं है, तो इसको मास नंबर हम लिख देते हैं इसका ए, ठीक है। मास नंबर तो वैसे भी चेंज नहीं होने जा रहा है, 32 आई थिंक 32 होता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हम गलत नहीं लिखना चाह रहे हैं इसीलिए हम इसको ए लिख के चल रहे हैं। तो जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जब बीटा माइनस डीके करेगा तो बीटा माइनस डीके में क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उस नया न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पुराने वाले से एक ज्यादा होगा, तो 16, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो ए, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो कितना ए, और 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ये तो याद होगा, सल्फर, गुड, ठीक है। इसके बाद आते हैं बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके तो मान लेते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ठीक है। ये बीटा प्लस डीके किया, तो बीटा प्लस डीके में क्या एमिट होता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, और साथ में जो पार्टिकल बनेगा उस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर एक से घट जाता है, तो एटॉमिक नंबर अभी कितना है 11, तो एक से घट जाएगा तो एटॉमिक नंबर कितना 10, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं तो 23। तो भैया 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आगे बढ़िए, किसका, न्यूऑन, ठीक है। अब आते हैं गामा डीके, गामा डीके, गामा डीके का एग्जांपल है कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27 एंड मास नंबर 60, ठीक है। ये जो कोबाल्ट का आइसोटोप है ये पहले बीटा माइनस डीके करता है, कौन सा डीके करता है, बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके तो साथ में क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, और जो नया एटम बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले से एक कम होगा, सॉरी पहले से एक ज्यादा होगा, बीटा माइनस है ये इसीलिए, तो अभी कितना है इसका 27, एक ज्यादा हो गया तो 28, और मास नंबर 60 का 60 रह जाएगा, 28 एटॉमिक नंबर किसका होता है, निकल, ये क्या होगा, निकल। अब ये जो निकल बनता है इस प्रोसेस में बीटा माइनस डीके में, ये निकल क्या होता है, एक्साइटेड होता है,
ये निकल के होता है एक्साइटेड। तो जब भी एक्साइटेड होगा न्यूक्लियस तो वो कौन सा डिके करेगा, गामा डिके। तो इसके बाद ये निकल दो बार गामा डिके करता है, ठीक है। एक बार वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है और दूसरी बार 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है 91, 28, 60, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट, यहाँ स्टार नहीं है मैंने क्या, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, समझ आया, इतना क्लियर है। अब इस पूरे प्रोसेस में हम आपको क्या नहीं बताएं अभी तक, हम आपको यहाँ पर दो एलियन जैसा चीज़ दिखा है, उसमें से एक चीज़ है क्या, पॉजिट्रॉन, दूसरा चीज़ क्या है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ये सब क्या है, इसे पहले तो कभी नहीं सुने, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़े ब्रांच का एक छोटा सा हिस्सा है। उस बड़े ब्रांच का नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अगर आप आगे फिजिक्स लेके पढ़िएगा या अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो भी आपको एक ब्रांच पढ़ना, एक एक, एक पेपर पढ़ना होगा एक किसी ना किसी सेमेस्टर में, और उसका है नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। उसमें आपको ये सब पूरा डिटेल में बताया जाएगा। हम यहाँ पर फिलहाल काम लायक बता दे रहे हैं ताकि जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए। जो पॉजिट्रॉन है भैया, ये पॉजिट्रॉन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसा ही है। पॉजिट्रॉन का सारा लक्षण, सारा गुणधर्म इलेक्ट्रॉन से मिलता है, बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बस यही अंतर है। सो पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दो मिनट में खत्म होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, अ पॉजिट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं न्यूट्रीनो पे। तो न्यूट्रीनो जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है और ये बहुत हल्का पार्टिकल है, वेरी, इसका मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में भी बहुत कम है, इसका मास ऑलमोस्ट जीरो है और ये किसी के साथ इंटरैक्शन भी नहीं करता, ये वीक इंटरैक्शन करता है सबके साथ, ठीक है। तो चूंकि इसका मास बहुत कम है, इसके पास चार्ज नहीं है और ये किसी से कोई इंटरैक्शन भी नहीं करता है, इसलिए इस न्यूट्रिनो का खोज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद एक आता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, समझ आया। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इज अन इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रिनो क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है वो जीरो है और मास भी बहुत ना के बराबर है और ये किसी के सबके साथ कैसा इंटरैक्शन करता है, वीक इंटरैक्शन, इस कारण से इसको डिटेक्ट कर पाना संभव नहीं। और एंटी न्यूट्रिनो भी इसी जैसा है, बस इसका एंटी पार्टिकल है। अब यहाँ पर हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, और पॉजिट्रॉन जो है ये इसका एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन इसका क्या है, एंटी पार्टिकल। उसी तरह न्यूट्रिनो पार्टिकल है और एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है। अब बोलिएगा सर यहाँ पर फिर एक नया कॉन्सेप्ट ले आ गया एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो पॉसिबल का उल्टा होता है ना भैया इम्पॉसिबल, तो पार्टिकल का उल्टा उसी तरह क्या होता है, एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल और पार्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है ना, कि जैसे दो चीज़ एक दूसरे को कैंसिल करता है ना, उजाला और अंधेरा एक दूसरे को कैंसिल करता है, उसी तरह पार्टिकल और एंटी पार्टिकल भी एक दूसरे को कैंसिल करता है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को कैंसिल करता है ना, वैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल भी कैंसिल करता है। कैसे, तो अगर आप इस पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को आपस में कोलाइड करवा दो, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन फेंको और उधर से पॉजिट्रॉन फेंको, और जैसे ही ये दोनों मिलेगा दोनों गायब हो जाएगा और क्या एमिट होगा, एनर्जी। तो क्या हुआ, ये जो एंटी पार्टिकल है ये इस पार्टिकल को खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये दो जो मैटर था वो मैटर गायब हो गया और बदले में क्या निकला, एनर्जी। उसी तरह ये जो पॉजिट्रॉन, ये जो न्यूट्रिनो है और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, तो ये दोनों एक दूसरे का एंटी पार्टिकल है, मतलब इधर से न्यूट्रिनो फेंको उधर से एंटी न्यूट्रिनो फेंको, जैसे ही दोनों मिलेगा दोनों गायब हो जाएगा और क्या रिलीज होगा, एनर्जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन, ठीक है।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इसी के साथ हमारा ये जो डीके वाला, ये जो अलग अलग टाइप का डीके था, ये ख़त्म हो गया। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, आप लोग इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो डेरिवेशन होगा उसमें कुछ, और उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा रहता है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके पे, खास करके नीट में बहुत सारा क्वेश्चन हमको दिखाया उसमें, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।